हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं ग्रुप नंबर 17 का पार्ट 2 और ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा और प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 17 की कवर कर ली होंगी। तो आज के इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक करने वाले हैं ग्रुप नंबर 17 का हाफ पोर्शन जो कि हमारा कल रह गया था उसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रुप 18 पे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है क्लोरीन, और मैंने आपको अभी तक जितने भी कंपाउंड्स करवाए हैं उन सब में हमने यही वे अपनाया है, पहले हम प्रिपरेशन करेंगे फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले मेथड जो प्रिपरेशन आता है क्लोरीन का, सबसे पहला मेथड आता है बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड with concentrated HCl। रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, जब मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को HCl के साथ हीट किया तो मेरा यहां से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है MnCl2 साथ में क्लोरीन, जो कि मुझे ऑब्टेन करना था जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं देख रही हूं, और वाटर। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहां अगर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले किसमें, MnO2 में, तो इसको हम x लेट करेंगे, ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, दो ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज है 0। तो ये जब इधर जाएगा -4 तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4। यहां पर Mn जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर Mn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां +4 से +2 क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो चार्ज है वो रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ Cl पे -1 है, यहाँ Cl2 पे क्या है 0। यहां पे भी अगर आप क्या देखोगे तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दिस इज द रिएक्शन जहां पर हमने क्या देखा है, भी हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब HCl के साथ हीट किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास Cl2 ऑब्टेन हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका सिर्फ इतना ही है, भी आपको रिएक्टेंट का पता होना चाहिए, आपको ये तो पता ही आप किस मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर इसको यूज करने वाले हो, तो आपको पता है भी यहाँ पे आपने Cl2 बनाना है, तो बट ऑब्वियसली Cl2 बनेगा तो Mn जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। तो एक तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ऐसे ही एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, हाँ जी ऐसे ही एक और आता है, जब हम पोटेशियम पर मैग्नेटेट के साथ KMnO4 के साथ HCl को हीट करते हैं तभी हमारे पास क्लोरीन जो है वो ऑप्टेन होता है। तो यहां पर हमारे पास एक तो KCl ऑप्टेन होगा, एक MnCl2 ऑप्टेन होगा, क्लोरीन ऑप्टेन होगा और वाटर ऑप्टेन होगा। आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हो, तो ये भी एक मेथड है क्लोरीन को ऑप्टेन करने का, जब आप पोटेशियम पर मैग्नेटेट को किसके साथ, HCl के साथ हीट करते हो तो आपको क्या ऑप्टेन होता है, Cl2 यानी कि क्लोरीन ऑप्टेन होता है। तो दो मेथड्स तो मैंने आपको ये बताई दी ऑलरेडी। अब स्टूडेंट्स एक और मेथड होता है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिखेंगे, अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है इंडस्ट्रियल मेथड बताइए, या नहीं भी पूछा जाता तो भी आपको ये मेथड तो वहां पर लिख के आना ही है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। ये मेथड होता है डेकन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट्स, डेकन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड जो कि प्रिपरेशन किसकी करवाता है, Cl2 की करवाता है। जब हम HCl को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां से हमारे पास Cl2 बनता है और वाटर लिबरेट हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियल मेथड है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इस रिएक्शन में हम CuCl2 कैटलिस्ट की तौर पर यूज करते हैं। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेकन्स प्रोसेस बोलते हैं, डेकन्स प्रोसेस। इसको आप बैलेंस कर सकते हो फर्दर बाद में। तो ये हमारी क्या रिएक्शन है, HCl प्लस O2 गिव्स Cl2 प्लस वॉटर। होपफुली ये आप सबको क्लियर होगी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आती है स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज। अब क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज आती है। हमने इसकी प्रिपरेशन तो देख ली है, प्रॉपर्टीज में ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपने एनसीईआरटी हाईलाइट है, ये आपने इसको लिखना भी है, ये एनसीईआरटी हाईलाइट। अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो नोट कर लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी देखो ध्यान से, इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जब आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो। आपके सामने यहाँ दो रिएक्शंस है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, शायद अब आपको देखो क्लियर होगा। अगर आप अमोनिया को NH3 को एक्सेस में लेते हो और उसको Cl के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास NH4Cl बनता है और N2 बनता है, ठीक है। अगर आप Cl2 को एक्सेस में लेते हो और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो NCl3 ऑब्टेन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है और साथ में हमारी HCl जो है वो लिबरेट हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ऐसी ही दो और रिएक्शंस हैं जो कि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप NaOH जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हो, अगर आप NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हो, ठीक है, उसे Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो NaCl बनता है प्लस NaOH बनता है, यानी कि यहाँ पे हम Cl ले रहे हैं, Cl2 ले रहे हैं, तो NaOCl बन जाएगा। X का मतलब यहाँ पर बेसिकली NaOH बनता है और NaX बनता है, X की जगह पर कोई भी हैलोजन एटम है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और वाटर निकलता है। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप NaOH जो है वो हॉट एंड डाइल्यूट ले रहे हो और फिर आप उसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका फिर से NaX तो बनेगा, यानी कि NaCl तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में NaClO3 बन जाएगा स्टूडेंट्स, और वाटर एज इट इज का लिबरेट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में आप मार्क करोगे। हाँ जी NCERT में आप मार्क करोगे। अब एक और चीज है, जब Cl2 जो है ये ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये हमें क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है, ये हमें क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन के अंदर ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लोरीन है वो यहीं पर फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। और HCl की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत ही ईजी है, HCl की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत बहुत इजी है। जब हम NaCl को स्टूडेंट्स H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां से हमारे पास NaHSO4 बनता है और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl ऑब्टेन हो जाता है। द मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन जो कि आपको देखने को मिलेगी, बहुत इजी है। एक और तरीका आप जैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हो वो आता है जब आप NaHSO4 को इसी कोई, ठीक है, NaCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। हाँ जी, जब आप NaHSO4 को NaCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहां से आपके पास Na2SO4 आ जाएगा और HCl लिबरेट हो जाएगा। देखो आपने HCl तो निकालना, Cl यहां से गया, हाइड्रोजन यहां से गया, क्या बचा, Na2SO4 बचा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजन क्लोराइड की, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अब आता है हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है ये कलरलेस होता है, इसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, कलरलेस होता है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है जी। और ये क्या करता है, जब इसको फ्रीज करते हैं तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। प्लस ये वाटर के अंदर जो होता है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होगा HCl प्लस H2O, तो पहले हमारे पास ये एक तो आयन बनेगा H3O पॉजिटिव और यहां से क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। ये इस तरह से वाटर में सॉल्युबल होता है और अपने आयन्स में क्या कर जाता है, टूट जाता है, H3O पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, ये इसका एक्वस फॉर्म है ना, ये एक्वस फॉर्म है। वो कहते हैं इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं,
ठीक है जी। और अगर इसकी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वाटर के अंदर। मोर ओवर ये NH3 के साथ कंबाइन करता है, देखो HCl NH3 के साथ कंबाइन करके NH4Cl दे देता है, और NH4Cl की व्हाइट फ्यूम्स आपको देखने को मिलती है। अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर ये देखा है तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स जो है वो लिबरेट होती है। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या इसकी आपको ये वाली प्रॉपर्टीज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। एक और आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि Na2CO3 को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहां से आपके पास क्या ऑब्टेन होगा? सिंपल सी बात है, आपने क्या करना होता है, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। तो यहां से एक तो हमारे पास NaCl आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ से CO2 आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ से वाटर आ जाएगा। तो ये भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल बैठी, हाइड्रोजन क्लोराइड की HCl की। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, सॉरी अब हमारे पास आता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। अब क्या आता है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो हमारे हेलोजन है अदर देन फ्लोरीन -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट करते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या क्या वो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हम क्लोरीन के ले लेते हैं सारे, क्लोरस एसिड सबसे पहले हम सबसे सिंपल लेंगे, क्लोरस एसिड सबसे सिंपल। मैं पहले क्लोरीन के सारे ले रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला अदर देन हाइड्रोजन जो हमारा होता है, तो हम इनको देखते हैं। हाँ जी सॉरी, क्लोरस एसिड क्या होता है, HOClO, ये हमारा होता है क्लोरस एसिड। यहां पर आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, इसके अंदर आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी क्लोरीन की, इसके अंदर आपको +3 देखने को मिलेगी। ठीक है जी, पहले इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, फिर +5 और +7 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोक्लोरस का बताती हूँ, उसके बाद आपको बहुत समझ आ जाएगा इजीली। हाइपोक्लोरस है HOCl। अब देखो, हमेशा ऑक्सो एसिड की जब भी बात की जाती है तो यही बोला जाता है भी जो भी आपका हेलोजन एटम है वो जो है, मतलब जो इनके अंदर आपको ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, और जैसे ये ऑक्सीजन है ये इसके साथ जुड़ा है, और एसिड बनाना है तो ये इसके साथ SH जुड़ा हुआ है। ये हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, सिंपल। ठीक है, अब जैसे क्लोरस एसिड की अगर मैं बात करती हूँ, सिंपल क्लोरस एसिड की, तो इसमें भी सेम वही होगा, बस यहाँ पर जो दूसरा ऑक्सीजन है वो डबली बॉन्डेड क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स इट। ये हमारा क्या है, क्लोरस एसिड का हो गया। अब हमारा था +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो होता है क्लोरिक एसिड। वो क्या होगा, क्लोरिक एसिड। हाइपो के अंदर क्या था, HOCl था, क्लोरस के अंदर क्या हुआ, HOClO आ गया। अब जो मैंने आपको बोला है क्लोरिक एसिड, उसके अंदर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, जब एक और ऑक्सीजन आएगा क्या फॉर्मूला होगा, HOClO2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, कितनी होती है, +5 होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये और भी सिंपल होगा, ये Cl है, एक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये दो कंप्लीट हो गए, अब दो ऑक्सीजन पड़े हैं, तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, क्लोरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरिक एसिड बन जाता है। लास्ट आता है पर क्लोरिक एसिड, लास्ट क्या आता है, पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, एक और O जोड़ देंगे, HOClO3। हाँ जी, इसका फॉर्मूला भी सेम वही, Cl के साथ O, उसके साथ एक H लगा दिया। अब बाकी के जो रह गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ इस प्रकार से पर क्लोरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या सभी को क्लियर है? अब आपको जैसे सबको पता है भी जो हमारा फॉस्फोरस है, जो हमारा फॉस्फोरस है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाँ जी, जो हमारा फॉस्फोरस है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी में देखो, जो हमारा हाइपो वाला था इधर +1 है, मैंने आपको बोला था बाकी के एटम्स +1, +3, +5, +7 शो करते हैं, +1, +3, +5, +7 शो करते हैं, लेकिन जो हमारा फ्लोरीन है, जो हमारा क्या है, फ्लोरीन है स्टूडेंट्स, वो ओनली एंड ओनली -1 शो करता है। तो यानी कि हाइपो फ्लोरस हो जाएगा, जैसे हमारा यहां पर देखोगे यहां क्या था, हाइपोक्लोरस था,
तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस हो जाएगा। अब इसका क्या बनेगा, एच ओ एफ बनेगा। क्या बनेगा, एच ओ एफ बनेगा। यहाँ पर वो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लोरस के अंदर हमने देखा था, अभी हाइपोक्लोरस था, फिर क्लोरिक था, फिर क्या क्लोरस था, फिर क्लोरिक था, फिर परक्लोरिक था, है ना। ये ना देखो, पहले हाइपोक्लोरस, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक और फिर परक्लोरिक। फ्लोरीन के केस में ओनली माइनस वन है, इसलिए ओनली माइनस वन वाला केस बताया। अब ऐसे ही आप ब्रोमीन के केस में कर सकते हो। आपको पता है ब्रोमीन जो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी प्लस वन, प्लस फाइव और प्लस सेवन के कंपाउंड्स बन सकते हैं। इसके अंदर पहला क्या बनेगा, एच ओ बी आर। मैंने बोला प्लस वन, प्लस फाइव, प्लस सेवन बनेगा, एच ओ बी आर ओ टू बनेगा और एच ओ बी आर ओ थ्री बनेगा इनके अंदर, ठीक है। ऐसे ही हमारा आयोडीन है, आयोडीन के भी आप ऐसे ही बना सकते हो जैसे हमने ब्रोमीन के कंपाउंड्स बनाए। आयोडीन के अंदर भी यही तीन ही बनते हैं। तो आयोडीन के केस में एच ओ आई, एच ओ आई ओ टू, एच ओ आई ओ थ्री, ठीक है। इस हिसाब से हमारे क्या बन जाते हैं, ऑक्सो एसिड्स बन जाते हैं, किसके, हेलोजन एटम्स के। क्या सभी को क्लियर है? अब आगे स्टूडेंट्स देखेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स और उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद हो, ये मैंने बोला था ये एक ही है इसलिए लार्ज साइज में होगा, ये बहुत सारे हैं क्योंकि एन लगा हुआ है तो ये स्मॉल साइज में होगा। जो लार्ज साइज में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस लेंगे और जो स्मॉल साइज में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर लेंगे। और मैंने आपको एक और इसके अंदर एग्जांपल बताया था, अगर मैं Cl2 और F2 की रिएक्शन करवाती हूँ इक्वल वॉल्यूम में, यानी कि अगर मैं 1:1 लेती हूँ तो मेरा यहां से इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी। मैंने बोला था फिर कल बाहर आई आंटी, जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा वाले को राइट हैंड साइड पे लिखना है और कम वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे। और मैंने आपको बोला 1:1 में ले रहे इक्वल वॉल्यूम में, इसीलिए एन की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 1 आएगी CLF, अगर हम इसे इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं। क्लियर है? अगर मान लो मैं इसको इक्वल वॉल्यूम में नहीं लेती, 1:3 में लेती हूँ स्टूडेंट्स, इसी में देख लेते हैं, ये तो इक्वल वॉल्यूम में ले लिया। अगर मैं बोल देती हूँ आपको, जैसे मैंने Cl2 है ये 1 लिया, यहां पर मैंने दोनों 1:1 लिए थे, 1:1, अब मैंने ये ऐसे लिया 1:3 में, तो इनमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, तो Cl पहले लिखेंगे, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कितने हैं, ये 3 है, तो इसके पैर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, 1:3 वाला स्ट्रक्चर आ गया। यहां से क्या बन गया, Cl(F3) बन गया। कितना बन गया, Cl(F3)। जो ऊपर हमने टेम्परेचर लिया वो 437 लेंगे, नीचे जो हम लेंगे वो 573 लेंगे, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1:3 वाला क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप आयोडीन के साथ कर सकते हो, आयोडीन और क्लोरीन के साथ। आइए करते हैं सेम रिएक्शन जैसे हमने फ्लोरीन और इसके लिए ना, अब हम करते हैं I2 की और F क्लोरीन की, दोनों 1:1 में मैं ले रही हूं। मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऊपर से नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर वाले को राइट हैंड साइड, लेस वाले को आगे, यही बनता है 1:1 है तो ऐसे बनेगा। अब अगर मैं 1:3 में लेती हूं तो यहां से मेरा क्या बनेगा, मोर वाला जो है वो पीछे, लेस वाला आगे, ICl3 बनेगा। क्या सभी को क्लियर है? यहां पे मैंने 1:1 में लिया, यहाँ पे मैंने 1:3 में लिया, इधर भी मैंने यहाँ पे 1:3 में लिया, ये 1:1 में लिया। क्लियर है? क्या सभी को इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो क्लियर हो गए? अब मान लो मैं 1:5 में लेती हूँ, जैसे Br को ले लेते हैं हम, में लूंगी तो इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो पीछे रहेगा, Br आगे रहेगा और ये कितने हैं, 5। तो यहां से क्या बन जाएगा, BrF5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, BrF5 बन जाएगा। क्या सभी को ये क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अगर आपको क्लियर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम चलने लगे हैं हमारे ग्रुप नंबर 18 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक और प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बोली है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मान लीजिए
हमारा कुछ इस प्रकार से, राइट। जो ये वाला होता है जो मोर अमाउंट में है, ये स्मॉलर साइज में है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। मोर लिख लीजिएगा, मैंने लार्ज लिख दिया है। और जो ये वाला है ये क्या है, ज्यादा है साइज में, लार्ज है साइज में, तभी एक है, और ये बहुत सारे इसलिए कम है साइज में, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, लेस है। तो जब आप इसकी वॉटर के साथ रिएक्शन देखोगे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, देखिए ध्यान से, जो लार्ज इन साइज वाला है, सॉरी, जो लार्ज साइज वाला है वो HOX बनाता है। मतलब ये जो X है ये लार्ज साइज वाला हमारा कंपाउंड होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जो लेस इन साइज वाला है वो HX बनाता है, ठीक है। मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो HX बनाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी स्टूडेंट्स वो HOX बनाएगा। तो एक इसकी ये प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं ग्रुप नंबर 18 पर, हमारा लास्ट ग्रुप जो है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ग्रुप नंबर 18 में सबसे पहले एलिमेंट्स कौन से आते हैं, तो शॉर्टकट है हीना, नीना और कैटरीना की जेरॉक्स रानी। हां जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे एलिमेंट्स किसके आते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आते हैं ग्रुप नंबर 18 के। किसके आते हैं, ग्रुप नंबर 18 के। हीना मैं लिख देती हूँ, क्योंकि आप में से किसी ने नहीं लिख रखा है शॉर्टकट, तो हीना, नीना, ए आर से और, के आर से कैटरीना की जेरॉक्स, एक्सी से रानी से आरएन, ठीक है। इनके नेम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हीना हीलियम, नीना नियॉन, आर्गन और के आर से कैटरीना क्रिप्टॉन, एक्सी से जेरॉक्स यानी कि जिनॉन, और आरएन से रानी यानी कि रेडॉन। यही होता है, हाँ जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, क्या यही एलिमेंट्स हमारे होते हैं इसमें। तो होपफुली आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा, छोटी सी चीज है ये, तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना, है ना। चलो अब आगे देखो, एलिमेंट्स आपको पता है। अब स्टूडेंट्स आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सी बात है, हीना, नीना और कैटरीना की जेरॉक्स रानी, यही है ना। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, क्या होता है, 2 होता है। होपफुली इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। फिर से वही मैजिक नंबर 88, 18, 18, 32, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सारों के मैजिक नंबर्स निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे पी ब्लॉक में हम देखते आ रहे हैं, पहले पूरे पी ब्लॉक की बोलती हूँ, क्या होती है, NS1 से लेके 2 और NP1 से लेके 6, है ना। अब ग्रुप नंबर 18 की, एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सबकी क्या होती है, NS2 NP6। ग्रुप 18 में हीलियम को छोड़कर सबकी क्या होती है, NS2 NP6। हीलियम की कितनी होती है, 1s2, ठीक है। नियॉन की कितनी होगी, n की वैल्यू क्या डालेंगे, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। नियॉन का क्या आ जाएगा, 2s2 2p6, इसका क्या आ जाएगा, 3s2 3p6, यही वाली चलेगी ना सबकी। सिर्फ हीलियम की क्या होती है, 1s2। क्रिप्टॉन की क्या हो जाएगी, 4s2 4p6, जिनॉन की 5s2 5p6 और इसकी 6s2 6p6। क्या सभी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, हाँ जी। इधर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बाकी सब में ये लगता था यहाँ 8 8 18 18 32 लगेगा। लाइक हीलियम की 2 है तो नियॉन का क्या हो जाएगा, 8 जोड़ो 10 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 10 में फिर से 8 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 18। अब 18 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। 36 में फिर से 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54। और 54 में 32 जोड़ेंगे, 86। एटॉमिक नंबर के लिए 8 8 18 18 32 हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको क्लियर हो गई है, चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया बात,
अब स्टूडेंट्स आता है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। सिंपल सी चीज है, आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे आओगे, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, जैसे जैसे नीचे आओगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या करेगा, एटॉमिक रेडियाई भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेगा। ये तो आपको पता ही है, सेम ट्रेंड है, जैसे जैसे नीचे आओगे शेल्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यानी कि रेडियस बढ़ता जाएगा। अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी सेम वही ट्रेंड, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। इसलिए कहा था अगर आप पहले वाले पीरियड्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे वाले पीरियड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज करती है। क्या करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज करती है ना। ये सब तो अब आप बहुत ईजिली बता सकते हो। अब खास बात कहां पर आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ये एक ओनली ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6 है ना, यानी कि ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, या आप इसको क्या कहोगे, फुली फिल्ड। इसीलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है जी, चलो अब स्टूडेंट्स आपके पास आता है भी ये बताओ एक चीज और अभी पहले देखते हैं। देखो हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, ये कंपाउंड्स हैं। इनमें से जो हीलियम और नियॉन है ये क्लैथरेट्स नहीं बनाते, डोंट फॉर्म क्लैथरेट्स, ये क्लैथरेट्स नहीं बनाते, जबकि बाकी सारे क्लैथरेट्स बनाते हैं, जिसमें से जो ज़िनॉन है, जो ज़िनॉन है ये बहुत ज्यादा क्लैथरेट बनाता है। अब आप कहोगे मैम क्लैथरेट क्या होता है, क्लैथरेट का मतलब होता है मान लो कोई भी क्रिस्टल लैटिस सरफेस है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है, उसके स्पेस के अंदर जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं खाली जगह, क्रिस्टल लैटिस में कहीं पे भी खाली जगह होती है वहां पे ये नोबल गैसेस जाके फिट हो जाते हैं, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लैथरेट्स। तो हीलियम और नियॉन जो है ये क्लैथरेट नहीं बनाएंगे, लेकिन ज़िनॉन बहुत ज्यादा बनाते हैं और बाकी सारे भी बनाते हैं, ठीक है। क्लैथरेट क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल लैटिस के वॉइड के अंदर कोई नोबल गैस आके फिट हो जाए। क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज आती है, सबसे पहला कंपाउंड, हमें ये तो पता है भी हमारे जो नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ होते हैं जैसे ज़िनॉन होते हैं, ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन से। तो सबसे पहला कंपाउंड जो बनाया गया वो बनाया गया XCPTF6, सबसे पहला कंपाउंड ज़िनॉन का कंपाउंड बनाया गया। और ये बनाया कहां से गया, ये O2PTF6 जो कि रेड इन कलर है इससे बनाया गया। अब आप कहोगे यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, O2 की छोड़ दो, PTF6 कॉमन है। अब हमने सिर्फ O2 को ज़िनॉन से रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसने देखा जो आयनाइजेशन की वैल्यू है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ऑक्सीजन की और ज़िनॉन की, वो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज थी, इस कारण उसने O2 को इससे रिप्लेस किया और ये कंपाउंड सबसे पहले फॉर्म किया, जिसे क्या बोलते हैं, XCPTF6 बोलते हैं, फर्स्ट कंपाउंड जो कि ज़िनॉन का कंपाउंड बना था फ्रॉम नोबल गैसेस, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है, रीजन क्या है, ड्यू टू वेरी क्लोज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड ज़िनॉन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, देखो अब हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स जो कि बनाए गए ज़िनॉन से, ज़िनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स और ज़िनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स बने। ज़िनॉन फ्लोरीन से तीन तरह के कंपाउंड्स बने, XCF2, XCF4, XCF6। कैसे बनाए, अगर हम एक्सी को, ज़िनॉन को और F2 को लेते हैं, जिसमें मैं ज़िनॉन ज्यादा लेती हूँ हाई अमाउंट में, तो XCF2 बनता है। अगर मैं 1:5 फॉर्म में इन दोनों को लेती हूँ तो मेरा XCF4 बनता है, और अगर मैं 1:20 में इन्हें लेती हूँ स्टूडेंट्स तो XCF6 कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप NCERT में इसे स्टार लगाएंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है भी हम XCF6 को और कैसे बना सकते हैं, तो अगर आप XCF4 को
O2F2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी HCF6 बन जाएगा। देखो इस HCF4 को फर्दर रिएक्ट करवाओगे O2F2 से तो भी HCF4 HCF6 बन सकता है। क्लियर हुआ? ये थे ज़िनोन फ्लोरीन के कंपाउंड स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनके कंपाउंड्स देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड मैंने बोला था HCF2 होता है। क्या होता है? HCF2 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। हाँ जी, इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो देखो ज़िनोन है, दो फ्लोरीन लगे हुए हैं। आपको पता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP6 होती है। ठीक है, यानी कि टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है। ऐसे जैसे 1 2 तो इसके इससे बॉन्ड बन गए, है ना। अब यहां पर क्या होगा, एक ही लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो तो इसने बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, बाकी 3 लोन पेयर है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो एज अ लोन पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं। ये कौन सी शेप है, ये लीनियर शेप है। और ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, HCF2 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाया है। अब हम देखते हैं HCF4 का, किसका, HCF4 का, यही बना लेते हैं HCF4 का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, फिर से हमने क्या लिया, ज़िनोन लिया, हमें पता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में क्योंकि नोबल गैस से कंप्लीटली फिल्ड है। तो फ्लोरीन का कैसे हुआ, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 4 बॉन्ड बना लिए, 4 ही फ्लोरीन थे, और एक लोन पेयर ऐसे ऊपर और एक लोन पेयर ऐसे नीचे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारा HCF4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दोगे ना, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्लियर हुआ? होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसके बाद वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन करोगे HCF6 का, तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। अब दो कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ आते हैं, पहले इनको आप देख लो फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ज़िनोन ऑक्सीजन कंपाउंड, ज़िनोन फ्लोरीन में तो HCF2, HCF4, HCF6 हो गया। ज़िनोन ऑक्सीजन के अंदर हमें दो तरह के कंपाउंड्स बेसिकली देखने को मिलेंगे, एक होता है हमारा ये HCO3, ठीक है, और एक होता है HCOF4, एक ये भी है और एक ये भी है। तो बेसिकली देखो, जब ज़िनोन, क्या कहते हैं, हम HCF4 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा ज़िनोन लिबरेट होता है और HCO3 लिबरेट होता है। ठीक है जी, अगर मैं HCF6 को वाटर के साथ करवाती हूँ, 3 moles ऑफ वाटर के साथ करवाती हूँ, तो HCO3 बनता है। मतलब दो तरीके से मैं HCO3 को प्रिपेयर कर सकती हूँ। अगर HCF4 ले रही हूँ तो 1 mole ऑफ वाटर, मतलब आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। अगर HCF4 को लेती हूँ तो मेरा HCO3 बनता है। अगर मैं HCF6 को लेती हूँ 3 moles ऑफ वाटर के साथ, तो HCO3 बनता है। इसको बैलेंस कर लेना, इसके आगे भी नंबर आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक तो मेन रिएक्शन ये वाली है HCO3 को बनाने के लिए। ऐसे आप HCOF4 बना सकते हो, HCO2F2 बना सकते हो। कैसे बनेगा ये, अगर आप HCF6 को वाटर के साथ लेते हो, देखो पहले आपने 3 moles वाटर के लिए थे, अगर आप 1 mole वाटर का लेते हो HCF6 के साथ तो HCOF4 बनता है। अगर आप 2 moles वाटर का लेते हो तो HCO2F2 बनता है। तो ये थे ज़िनोन ऑक्सीजन के कंपाउंड, जिसमें से दो के स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ दिखाए भी हैं। HCOF4 का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो HCF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। और HCO3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन भी पूछी जाती है और स्ट्रक्चर भी। तो ये एक्सप्लोजिव होता है नेचर में और इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से पिरामिडल शेप में देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी खोल लेना, एनसीईआरटी के अंदर इसको मार्क कर लेना, ये एनसीईआरटी से ही आपको एग्जैक्ट करवाया गया है, बिकॉज एनसीईआरटी हाइलाइट्स इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है, यानी कि पी ब्लॉक चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। सो यस, अगर आपको ये चैप्टर, ये काशी सीरीज, ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया है स्टूडेंट्स, तो लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको ये वीडियो, मतलब जिसको इस चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना, उसको दोबारा से पढ़ना है, तो उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे भी आपको कैसा लगा लेक्चर। एंड यस स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो यहीं पर हम समअप करते हैं हमारा पी ब्लॉक चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।